सो हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एससीसी जीडी न्यू रिक्रूटमेंट 2023 टू 24 के बारे में। ये अप्लाई स्टार्ट 24 नवंबर से स्टार्ट होने की रिलीज दिया था, फिर भी लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इस बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे और बात करेंगे। कब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, कब आएगा, इस बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे और बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और को प्रेस करके रख लेना, क्योंकि मैं इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन जो पाते आप लोग को लाता रहा होगा। आप लोगों को मैं इधर एससीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके आ चुका है। इधर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा उन लोगों का ऑफिशियल कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर 2023 टू 24 का। आप लोगों को मैं इधर क्लिक करके दिखा देता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं नंबर 22 पे कांस्टेबल जीडी इन जनरल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएफएफएस NIA SSF एंड राइफलमैन जीडी आसम राइफल एग्जामिनेशन 24 का। इधर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को सब लोग करके दिखाता हूँ। 24 नवंबर 2023 फ्राइडे को बताया था, फिर भी लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं 28 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, और एग्ज़ाम होगा फेबुआरी टू मार्च तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ये शायद कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी मैं लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोगों को मैं बता देगा, आप लोग इंतज़ार करना। शायद आज शायद कल से अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आज तो नहीं हुआ। तो जब भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, आप लोग वीडियो को देख लेना। तो आप लोग को मैं इधर थोड़ा डेमो दिखा दूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2024 वैकेंसी है 75,768 फोर्स था। ये रहा सीआरपीएफ का 25,427 फोर्स, बीएसएफ का 27,875 फोर्स, सीआईएसएफ का 8,598 फोर्स, एसएसपी का 5,278, आईटीबीपी का 306, आसम राइफल का 4,776, एनआईए का 225 एंड एसएसएफ का 558 फोर्स, टोटल 75,768 फोर्स था। कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी मैं लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और को प्रेस करके रख लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाने के लिए।